हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एग्जांपल सिक्स करेंगे ऑफ चैप्टर सेवन। लेट्स स्टार्ट। तो एग्जांपल सिक्स में गिवन है इन एन आइसोसेल ट्रायंगल। व्हाट इज आइसोसेल ट्रायंगल? आइसोसेल ट्रायंगल में टू साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, जैसे ये ए बी सी है, इसकी ए बी और ए सी साइड इक्वल है हमारे पास गिवन है, तो ये आइसोसेल ट्रायंगल हो जाएगी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी। डी और ई पॉइंट हैं बी सी के ऊपर, सच दैट बी ई इक्वल टू सी डी, जिसमें बी ई इक्वल टू है सी डी। शो करना है ए डी इक्वल टू ए ई। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ गिवन। वी आर गिवन ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी ई इक्वल टू सी डी। टू प्रूव ए डी इक्वल टू ए डी, दिस ए डी इक्वल टू ए। ओके, स्टार्ट विथ प्रूफ। हमें प्रूफ करना है ए डी और ए को इक्वल। तो ये दोनों जो साइड्स हैं, दो ट्रायंगल्स लेनी है, तो ये दोनों किस ट्रायंगल में आ रही हैं? ए बी डी और ए सी ई। तो हम यहाँ ले लेंगे ट्रायंगल ये दोनों। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी ई। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में ये एक ट्रायंगल ये होगी, एक ट्रायंगल ये होगी, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू है ए सी, दिस इज गिवन। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। आफ्टर दैट दिस एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। वाई, हमने एक पीछे हमने पढ़ा था कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के अपोजिट एंगल हुआ सी और ए सी के अपोजिट एंगल हुआ बी, तो ये दोनों इक्वल हुए। बस लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, ऑफ इक्वल साइड्स ये इक्वल होते हैं। एंगल हमने ली साइड, एंगल अगेन साइड लेंगे। अब हमें गिवन है बी ई इक्वल टू सी डी, तो हमें जो गिवन है पहले वो लिखते हैं बी ई इक्वल टू सी डी। बट ट्रायंगल ए बी डी में हमारे पास बी डी आती है और ए सी ई में ई सी है। अब हम क्या करेंगे इनको निकालने के लिए? जो ये हमारे पास ये हमारी लाइन जो गिवन है बी ई, इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इस ट्रायंगल इस लाइन में से बी ई में से इस डी ई को कैंसिल कर दूं, निकाल दूं इस पूरी लाइन में से, अगर मैं इसको निकाल दूं तो मेरे पास बी डी बच जाएगा। इसी तरह से इस पूरी लाइन में से सी डी में से अगर मैं डी ई को निकाल दूं तो मेरे पास ई ई ई सी ई बच जाएगा, और यही हमें इक्वल चाहिए। तो बस बी ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी ई को हम क्या लिख सकते हैं? बी ई माइनस बी ई माइनस डी ई इक्वल टू इस लाइन में सी डी, ठीक है, इसमें से माइनस करें हम सी डी माइनस डी ई, ठीक है। तो देखिए अब इसमें से बी ई में से मैंने डी ई निकाल दिया, बचा मेरे पास बी डी, और सी डी में से मैंने डी ई को निकाल दिया तो मेरे पास बचा सी ई, ठीक है। अब देखिए इफ एक ट्रायंगल का एंगल सॉरी साइड एंगल और साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्करेंट बन जाएंगी। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। अब इसका रीजन क्या है? बाय एस ए एस, बाय एस ए एस, क्योंकि साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है। और हमें क्या प्रूव करना था? ए डी इक्वल टू
ए। तो देखिए, अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो उनके सीपीसीटी के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, तो बाकी जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए साइड एंगल साइड ये हमने इक्वल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, तो रिमेनिंग साइड्स क्या रहेगी और एंगल्स सारे इक्वल हो जाएंगे। तो हमें प्रूव करनी सिर्फ साइड ए डी इक्वल टू ए, तो बस बाय सी पी सी टी। तो यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी ए डी इक्वल टू ए ई, ये प्रूव करना था हमें, ए डी इक्वल टू ए, बस यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, एक बार फिर से इसको जल्दी से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक आइसोसेल ट्रायंगल गिवन है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, वो आइसोसेल ट्रायंगल होती है। इसमें हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है और बी ई इक्वल टू सी डी गिवन है। प्रूव करना है हमें ए डी इक्वल टू ए। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स ली ए बी डी एंड ए सी ई। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि अब जो से हमारी इक्वल साइड्स होती हैं उनकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। अब साइड एंगल होगी, अगेन अब साइड आएगी, साइड हमें लेनी है बी डी, बट हमारे पास गिवन है बी ई। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं बी ई इक्वल टू सी डी। अब इस पूरी बी ई में से मैं अगर डी ई को निकाल दूं तो मेरे पास बी डी बचता है, इस पूरी सी डी में से अगर मैं डी ई को निकाल दूं तो मेरे पास बचता है सी। बस ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्कुरेंट हो जाती हैं, और अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्कुरेंट है तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स बाय सी पी सी टी आर ऑल्सो इक्वल। तो ए डी इक्वल टू ए ई, ये बाय सी पी सी टी हम यहाँ लिख देंगे। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।